बात हो गई है। राजिम कुंभ कल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु राजिम पहुंचेंगे। यह कुंभ 8 मार्च तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम में धर्म, आध्यात्म, परंपराओं और संस्कृति का संगम राजिम कुंभ कल्प का आगाज हो चुका है। ये राजिम कुंभ कल्प 15 दिन यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। आज सुबह से ही कुंभ में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु राजिम पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने सुबह से त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद भगवान राजीव लोचन और कुलकेश्वर नाथ के दर्शन किए। आज माघी पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान कुलेश्वर महादेव पर भगवान जी के आशीर्वाद के लिए सबको 3 बजे से लाइन लगाए हैं। काफी अच्छा महोत्सव जैसे लग रहा है। हमें माघी पूर्णिमा का मेला है, राजिम कुंभ मेला है और यहाँ सभी श्रद्धालु स्नान करने के महानदी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालु 3 बजे से यहाँ लाइन लगा हुआ स्नान कर रहे हैं। और माघी पूर्णिमा में आज दीप दान का बहुत महत्व है। कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने का आज विशेष दिन रहता है। राजिम पुण्य मेले की एक अलग ही पहचान है। पैरी, सोंढूर और महानदी 3 नदियों के संगम स्थल राजिम त्रिवेणी संगम पर ये राजिम पुण्य मेला आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम के एक तट पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान राजीव लोचन विराजमान है और दूसरे तट पर सप्त ऋषियों में से एक लोमश ऋषि का आश्रम विद्यमान है। त्रिवेणी संगम के बीचों बीच खुद महादेव कुलकेश्वर नाथ के रूप में स्थापित है। आज पुण्य स्नान का महत्व इसलिए कि आज के दिन माघी पूर्णिमा है, जिस दिन भगवान राजीव लोचन के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आज माघी पूर्णिमा का महत्व बढ़ जाता है और दूर दूर से लोग आकर के महानदी में स्नान करते हैं और दुनिया उसका पात्र बनते हैं। यहाँ लगने वाले मेले को राजिम माघी पूर्णिमा मेला या राजिम कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले की शुरुआत माघी पूर्णिमा से होती है। ये मेला 15 दिनों तक चलता है और महाशिवरात्रि पर इसका समापन होता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम लोग हमेशा हर साल यहाँ माघी पूर्णिमा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। उसके बाद दादू की शिवलिंग बनाकर पूजा करके राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है क्योंकि राजिम महानदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं इसे खास बनाती हैं। यहाँ महानदी, सोंढूर और पैरी 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम के होने के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर भी हैं जो यहाँ का धार्मिक महत्व बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद भगवान विष्णु का राजीव लोचन मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करने से चारों धाम के दर्शन करने का फल मिलता है। श्रद्धा और भक्ति का दूसरा नाम ही भगवान है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। भगवान के दर्शन की चाहत और मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर श्रद्धालु राजिम पुण्य मेले में पहुंच रहे हैं। गरियाबंद से राहुल ठाकुर के साथ